पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली जाती है। वहीं बाहुड़ा यात्रा यानी रथ यात्रा की वापसी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक आराम के बाद वापस लौट रहे हैं। उनके साथ स्वामी बलभद्र और भगवती सुभद्रा भी हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इसी के साथ रथ यात्रा महोत्सव 2023 का समापन होगा। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इस बारे में आईजी आशीष कुमार ने जानकारी दी है। आज महाप्रभु का रिटर्न यात्रा है, तो उसके नाते पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुआ है। करीब करीब 180 प्लाटून का डिप्लॉयमेंट है। क्राउड रेगुलेशंस के लिए सीनियर ऑफिसर मुतैन है अपनी फोर्स के साथ। ट्रैफिक के लिए एडीजी के लीडरशिप में फोर्स डिप्लॉयमेंट कल ही हो गया था। और ड्रैगिंग ऑफ चैरियट और कॉटन के लिए ऑलरेडी RAF पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस डिप्लॉयड है। पोहंडी ऑलरेडी आरंभ हो गया है यहाँ पे, तो हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम लोग रथ यात्रा में रथ महाप्रभु को अपने श्री मंदिर के सामने ले जाने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। देखिए, अभी तो आज बहुरा है और कल सोनाभेस होगा, जिसमें बहुत सारे लोग आके दर्शन करते हैं। और परसों के बाद उसके नेक्स्ट डे महाप्रभु अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर के, तो उसको देखते हुए हमारा 1 तारीख तक का डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू रहेगा।